मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज अपने एक दिवसीय प्रवास पर राजनांदगांव जिले के दौरे पर थे, जहां आज नवरात्र के दूसरे दिन सीएम भूपेश बघेल सपरिवार राजनांदगांव जिले के धर्मनगरी डोंगरगढ़ में स्थित विश्व प्रसिद्ध मां बम्लेश्वरी देवी मंदिर पहुंचे और विधि विधान से माता की पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। वहीं माता के दरबार में सीएम ने अपने पोते का भी मुंडन संस्कार करवाया। अमित शाह के दौरे और ईडी के छापेमारी पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि जब जब अमित शाह आते हैं उसके पहले ईडी आती है, ईडी कार्यवाही करे उसमें तकलीफ नहीं है, पर उनकी कार्यवाही सिलेक्टिव होती है, ये गलत है। जब जब शाह जी आते हैं उसके पहले पहले ईडी आती है और ईडी अपनी कार्रवाई करे इसमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन ये है कि सिलेक्टिव करते हैं ये गलत है, सरासर झूठ बोल रहे हैं। धान में ही छत्तीसगढ़ धान उत्पादक राज्य है, केंद्र सरकार जब मनमोहन सिंह की सरकार रही है तो क्विंटल पीछे 100 रुपया तक के बोनस वो देती थी, ये लोग तो बोनस ही बंद कर दिए, जो राज्य बोनस देगा उसे चावल ही नहीं खरीदेंगे। और ये डबल इंजन की सरकार के बाद तो किसानों का हालात और ख़राब, 10 क्विंटल कर दिए थे और खरीदी भी कम हो गया था। जब से हमारी सरकार आई है तब से जो खरीदी है वो दोगुना हो गया, उत्पादन दोगुना हो गया, किसानों की संख्या में दुगुना वृद्धि भी, रकबा में वृद्धि भी, ये आय दुगुने की बात कर रहे थे लेकिन तो आय आधी हो गई क्योंकि महंगाई बढ़ गया, पेट्रोल डीजल रसोई गैस खाद सब की कीमत बढ़ा दी। प्रियंका जी राहुल जी आए थे, उन्होंने कहा 10 लाख लोगों को आवास देंगे, 7.5 लाख लोगों का आवास में आवास बनाने के लिए खाते में पैसे डाल दिए हैं, तो 17 लाख आवास बनने वाले हैं छत्तीसगढ़ में। प्रथम सूची